हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर जो है वो 37 से डील करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मतलब कतई इंपॉर्टेंट। तो आओ पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है आपका कि क्या हमारे कि समरी प्रोसीजर, समरी प्रोसीजर अन समरी सूट विद हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स फॉर द जजमेंट, सर्विस ऑफ समन्स ऑफ फॉर जजमेंट द डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर द लीव टू डिफेंड। लीव टू डिफेंड डिफेंडेंट को कब तक फाइल करनी होती है, करनी होती है आपका विद इन अ 10 डेज, ठीक है। इन अ समरी सूट विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, जब आपने सर्विस ऑफ समन्स की डिलीवरी करवा दी फॉर जजमेंट, डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर द लीव टू डिफेंडेंट इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर। विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट में आपके हिसाब से कौन सी सही स्टेटमेंट है? तो ए क्या है, मे बी इन्वॉल्व फॉर रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड डिमांड, लिक्विडेटेड डिमांड के लिए होना चाहिए, इन मनी पेबलेबल बाय द डिफेंडेंट अराइजिंग आउट द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, ए। अ डिग्री पास इन अ सूट विच ऑर्डर 37 ऑफ CPC विदाउट अप्लाइंग फॉर लीव ऑफ डिफेंड टू बी सेट असाइड, सेट लीव टू डिफेंड सेट असाइड किस में हो सकती है आपका, ऑर्डर 37 रूल 4 में। क्या कह रहा है, अ डिग्री पास्ड इन अ सूट अंडर ऑर्डर 37 विदाउट अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड, लीव टू डिफेंड में सेट असाइड का लगा सकता है 37 रूल 4 में। अ सूट 37 ऑफ CPC कैन बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन सब पे हो सकता है, ठीक है, हुंडई के बेस पे, हुंडी पे, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी। सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी इन प्रोमिसरी नोट कैन बी फाइल्ड, सूट फॉर प्रोमिसरी नोट कैन बी फाइल्ड नॉट अंडर द अंडर नॉर्मल नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर में फाइल होगा सूट फॉर रिकवरी मनी इन प्रोमिसरी नोट, ठीक है। सॉरी ये गलत पढ़ दिया मैंने, ए नहीं है, इसका आंसर पी है। अंडर समरी एज डाउन 37 में भी आप फाइल कर सकते, 37 है, इसका आंसर बी है। अ सूट फॉर अंडर 37 ऑफ CPC कैन बी बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होना चाहिए आपका, हुंडी पे, ऑर्डरल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं चलता, जनरल डैमेजेस अनलिक्विडाइड डैमेजेस पे भी नहीं चलता आपका, ये चलता है हुंडी के बेस पे, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। इन अ समरी सूट प्रेजेंटेड ऑर्डर 37 इट इज नेसेसरी फॉर द डिफेंडेंट टू अपियर बिफोर द कोर्ट हाउ मेनी डेज, 10 डेज, ठीक है, 10 दिन के अंदर आना भैया, ए है इसका आंसर, ठीक है। 10 दिन के अंदर आओ, डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड फाइल करेगा, वरना उसके खिलाफ डिग्री हो जाएगी। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल लीव टू डिफेंड 10 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ समन्स फॉर जजमेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए। ऑर्डर 37 CPC अप्लाइज टू सूट, अप्लाई टू द सूट किस पे अप्लाई होती है, अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडई एंड हुंडी, और इस पे बी है इसका आंसर, पढ़ लेना। इफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ट्राइंग द केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द CPC तो उसमें क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। तो बी है इसका आंसर। इन अ सूट फॉर रिकवरी 37 द कोर्ट कैन कोर्ट ग्रांट द डिफेंडेंट कंडीशन लीव टू डिफेंड सब्जेक्ट टू डिफेंडेंट सिक्योरिंग द सूट अमाउंट बाय द वे ऑफ बैंक गारंटी, डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश बैंक गारंटी इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो कोर्ट शैल क्या कर सकती है, डिग्री द सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डिग्री कर देगी सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट के, ठीक है। इसका आंसर ये है, सी। ऑन द सर्विस ऑफ समन्स रूल 2 ऑर्डर CPC डिफेंडेंट हैज टू, डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा, विद इन अ 10 डेज के अंदर अपियरेंस फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, 10 डेज के अंदर अपियरेंस फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं ना आपका प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही चलते हैं भाई। द प्रोविजर ऑफ समरी सूट किस में बताया गया आपका, 37 में बताया गया, बी है आंसर, द प्रोविजर इफेक्ट ऑफ समरी सूट 37, ठीक है। ये भी कुछ नहीं, इसमें भी 37 ही आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।